तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आता तुम्हें? नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? दोस्त कांतारा, आपने पहले कभी नाम नहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना है ना तो ये आखिरी भी नहीं होगा। आप इस नाम को रोज रोज सुनने वाले हैं, क्योंकि ऐसी फिल्म ना पहले कभी बनी है और ना ही बनेगी। और हाँ, बॉलीवुड तो कभी सपने में भी बना नहीं सकता। इस फिल्म के आप बजट पे मत जाइए, बजट आपको एंड में बताऊंगा और कमाई आपको एंड में बताऊंगा। इस फिल्म की सिर्फ कहानी पे जाइए। जो मैंगलोर और कर्नाटका के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस फिल्म की कहानी से रिलेट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल से वर्ड में बताऊं तो सिर्फ ऐसे सोचिए कि जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं तो आपके मन में ऐसी भावना जरूर आती है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। इसी टॉपिक को, इसी हिंदू धर्म के टॉपिक को एक किस तरीके से पिलर बना के फिल्म बनाई जाती है। जो लोग आर्ट परफॉर्म करते हैं कर्नाटका में, उनके अंदर दैवा आते हैं। दैवा का मतलब होता है एक देवी का रूप या एक भगवान का रूप या एक अच्छे देव का रूप उनके अंदर आता है और वो उस आर्ट को परफॉर्म करते हैं। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में ऐसा परफॉर्मेंस दिया है मुझे लगता है आज तक किसी इंडस्ट्री में कोई नहीं दे पाया है। बेसिकली आप KGF के लिए कन्नड़ा इंडस्ट्री को जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक मास्टरपीस है। इसकी मेरे पास शब्द नहीं है इस फिल्म को बयां करने के लिए। इस फिल्म में आपको हॉरर, फैंटसी, क्राइम, थ्रिलर और मतलब आपको क्या नहीं दिखेगा इस फिल्म में, आप भूल नहीं सकते इस कहानी को। ये मैं चैलेंज लगा सकता हूँ इस बात का, आपने जितनी आज तक फिल्में देखी उन सबसे एक यूनिक स्टोरी है ये। और यूनिक स्टोरी के होने के साथ साथ आप इसके विजुअल, इसके एक एक फ्रेम पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ। इसका जो BGM है, इसका जो म्यूजिक दिया है, मतलब आपको अंदर से ऐसे डर बिठा देगा जहाँ हॉरर का सीन आएगा। बात करते बिना स्पॉयलर दिए इस फिल्म की कहानी पर, तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि एक गाँव है जहाँ के लोग अपने देवताओं को बहुत मानते हैं। वो पुराने सभी परंपराओं को फॉलो करते हैं जिसमें उन्हें मज़ा आता है, वो खेलते भी हैं। एक ज़माने में एक राजा ने उन गाँव वालों को बहुत सारी ज़मीन दान कर दी थी। उसके बाद अभी जो उन राजा का वंशज है वो उस सारी ज़मीन को हड़पना चाहता है। पर दोस्तों ये कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। जो ज़मीन हड़पना चाहता है वो खुद वहाँ के लोगों के लिए रक्षक बना हुआ है, और जो ऋषभ शेट्टी जैसे शिवा लोग हैं वो उसी के पाले हुए हैं। दैवा का जो परफॉर्मेंस है वो शिवा का भाई परफॉर्म करता है, क्योंकि शिवा दारू पीता है। शिवा की एक गर्लफ्रेंड भी है। बीड़ी की बदबू आ रही है तो सह लेना। सेटिंग तो थी, पर हमारे बीच में वो फारिस ऑफिसर आ गया। पगार सरकार से ले रही हो और सर्विस इसको दे रही हो। जो आगे चल के पुलिस में भर्ती हो जाती है, जिसमें शिवा का भी हाथ होता है, और उसके बाद वही पुलिस वाली शिवा को अरेस्ट करने आ जाती है। तो आप, मैं मतलब बताना नहीं चाहता, इतनी अमेजिंग स्टोरी है, बहुत बहुत ही अमेजिंग। एंड के 20 मिनट में इतना ज़्यादा ट्विस्ट मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको ट्विस्ट मिलेगा कि जिसको देखने के लिए आप जाते हैं वहाँ पे। मैं कहता हूँ आप हॉलीवुड मूवी देखते हो, एक बार इस मूवी को देखिए क्या होता है हॉलीवुड हमारे इंडियन सिनेमा के आगे। मैंने सुपर हीरोज मार्वल्स की, DC की, उनको भी पूरा फॉलो किया है, लेकिन आप एक बार कांतारा देखिए। आप कांतारा देखेंगे ना, कहेंगे क्या होता है हॉलीवुड। इस तरह की मूवी इंडियन सिनेमा में ना आज तक बनी है और ना ही मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कभी बनेगी। और हाँ, ये बॉलीवुड वाले टटपुंजियों के तो बस की बात ही नहीं है। भारतीय परंपराएं कोई ऐसी ही नहीं है, वो साइंटिफिक हैं, उनमें पूरा कल्चर है, और उनको किस लिए किया जाता था इसके ऊपर ये फिल्म आपको एक पूरा का पूरा ब्यौरा मान के देगी। अगर कोई आपका नास्तिक दोस्त है उसको ये फिल्म ले जाके एक बार दिखा दीजिए, वो भी भगवान में विश्वास करने लग जाएगा। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की एक्टिंग, इस फिल्म का म्यूजिक, इस फिल्म का डायरेक्शन, आप किसी पॉइंट में, मैं मतलब मुझे लग रहा है कि पहली बार इस फिल्म को मैं एक आधा स्टार भी कम नहीं कर सकता। इवन इसको बड़े बड़े पंडितों ने भी, जो बड़े बड़े मूवी रिव्यूअर हैं, उन्होंने भी इसको 4 स्टार से कम नहीं दिए। तो आप समझिए ये मूवी किस लेवल की है। इसको 9.6 की रेटिंग IMDb पर है। तो इस तरह की फिल्म है ये। और मैंने आज तक किसी फिल्म की, कोई हिंदुत्व वाली फिल्म है उसकी भी इतनी तारीफ नहीं की, लेकिन ये फिल्म अपने आप में वाकई में अनोखी है। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। तो दोस्तों इस फिल्म का बजट था 15 से 16 करोड़। हिंदी में रिलीज होने से पहले ये फिल्म 80 करोड़ पार कर चुकी थी। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, हिंदी में भी ये फिल्म चलने वाली है। अगर आप बॉलीवुड से परेशान हैं ना, तो एक बार इस मास्टरपीस को जाके थिएटर में देखिए, क्या मूवी है यार।
आई सल्यूट टू ऋषभ शेट्टी भाई, आपने क्या डायरेक्शन किया है, क्या मूवी बनाई है, क्या एक्टिंग की है। मैं एक नंबर भी कट नहीं कर सकता किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में इस फिल्म के। एक चीज़ यहाँ से ये साबित हो जाती है बॉलीवुडियो कि फिल्म में बड़ा स्टार होने से फिल्म नहीं चलती है, फिल्म में कॉन्टेंट होना चाहिए। और कॉन्टेंट अगर हो तो 15 करोड़ की फिल्म भी 100 करोड़ कमाती है, कॉन्टेंट अगर हो तो 20 करोड़ की फिल्म भी 100 करोड़ कमाती है। इसके हमारे पास कांतारा एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास कश्मीर फाइल्स है। और ये फिल्में आप एक बार देखोगे आपके दिल को छू जाएंगी। पेड़ों के साथ साथ तुम्हारा रेप्यूटेशन भी कम हो रहा है, शिकार भी जोरों से चल रहा है। डिपार्टमेंट को तकलीफ हो अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे 3rd डिग्री मिलेगी। पढ़े भी नहीं डिग्री। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।